वी 24 तास ने अपने पिछले रिपोर्ट में बताया था कि मेडिकल प्रशासन का हाल बेहाल है, बेड्स की उचित सुविधा नहीं थी, ऑक्सीजन के लिए दर दर घूमना पड़ रहा था, जिसमें मेडिकल में सेवा दे रहे कांग्रेस के पूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल पुरी ने हमें मेडिकल की यथास्थिति के बारे में वाकिफ कराया था। हालांकि इतने दिनों बाद फिर एक बार कुणाल पुरी के जरिए हमने ये जानने का प्रयास किया कि मेडिकल की फिलहाल हालत कैसी है और मरीजों की क्या व्यवस्था है। कुणाल पुरी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर आपको समाज की सेवा ही करनी है तो इसका प्रचार कर लाचार गरीबों का मजाक बनाना ठीक नहीं, वो दिल से होना चाहिए। पर ठीक इसके विपरीत पूर्व कांग्रेस सदस्य कुणाल पुरी से जब पूछा गया कि यहाँ यूथ कांग्रेस की ओर से क्या सेवाएं दी जा रही है, तो इस पर कुणाल पुरी की ओर से जो उत्तर आया वो हैरान कर देने वाला था। तो जैसा कि पिछले बार भी वी 24 तास ने मेडिकल मेयो में हो रही धांधली को लेकर और जो मरीजों की जो अव्यवस्था हो रही है उसे लेकर खबर कवर की थी, जिसमें एक सोशल वर्कर और कांग्रेस में काम कर चुके कुणाल पुरी जी ने हमें बताया था कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, हाल बेहाल हो चुका है। और आज हम स्थिति जानने आए हैं कि आज क्या हाल है, तो हम सीधे चलते हैं कुणाल पुरी जी के पास और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आज पूरी मरीजों की व्यवस्था क्या है। तो सर हमें ये बताइए कि जब हम पहले आए थे तो आपने ही हमें बताया था कि हाल बेहाल है, मरीजों की व्यवस्था नहीं है, और आज की बात करें तो आज कैसा हाल चल रहा है मरीजों का? इसके पहले जब मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे सही में हाल बहुत ज़्यादा बेहाल थे, डॉक्टर्स नहीं थे ऑपरेट करने के लिए। लेकिन जब फिर उसके बाद हम डीन साहब को मिले, डीन श्री सुधीर गुप्ता जी से मिले, तो उन्होंने हमारी बात का मान रखा, उन्होंने तुरंत डॉक्टर्स अपॉइंट किए और आज यहाँ पे अंदर में हालात बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़ सबको मिल रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, इंजेक्शन्स अवेलेबल है और बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि हमें सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज भी दिख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो मेयो में अस्पतालों में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें कितना तथ्य है ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए अब मेयो का तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं मेडिकल में हर 24 घंटे में मेरे 5 से 6 राउंड होते हैं। ऐसे कईयों परिजनों के मेरे को फ़ोन आते करके कि सर सोशल मीडिया पर मैसेज देख रहे हैं कि हमारी मेडिकल और मेयो में और सुपर स्पेशलिटी में यूथ कांग्रेस की तरफ से एसएस सेवा चला रहे हैं। एसएस सेवा यानी कि अगर कोई मरीज है तो उसको बेड दिलाने का काम, ये सब ये शायद से मेयो में हो रहा होगा, ना तो सुपर में हो रहा है ना तो मेडिकल में हो रहा है। मेडिकल में ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है और कोई वॉलंटियर भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इतने दिनों से तो खुद ही आ रहा हूँ, आज तक के मेरे को तो दिखाई नहीं दिया। कोविड वार्ड के अंदर भी कोई नहीं दिखाई दिया और बाहर परिजनों के पास में, हाँ अगर मेरे पीठ पीछे कोई आ रहा होगा तो उसका मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक के भी अंदर आप भी जाके देख लीजिए, ना तो कोई एसओएस सर्विस है, ना तो कोई है, ना तो कोई चीज़ है। तो इसके साथ ही हमारे पास सोशल मीडिया पर और भी ऐसी चीज़ें काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि जो नेतागण है या कुछ लोग हैं जो लाचार गरीब है उनके साथ फोटो निकालकर उनको कुछ ज़रूरत का सामान देकर खुद की तस्वीर चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे मैं 2 मिनट के तो निशब्द हूँ। ऐसा है कि मैं जिस पक्ष से यानी कि जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी यूथ कांग्रेस से, वहाँ के कुछ ऐसे लीडर हैं जिनको अपना लीडर की दिखानी है, यानी कि अगर शुद्ध भाषा में बोलूँ तो राजनीति चमकाना जिसको बोलते हैं, उसके लिए देखिए कैसा, भोजन दान देना एक बहुत बड़ा दान होता है, दवाइयाँ दान देना एक बहुत बड़ा दान होता है, लेकिन ये चीज़ किसी गरीब या ऑलरेडी जो परेशान होता है, सताया हुआ रहता है, उसके पास जाकर सोशल मीडिया में अपने आप को चमकाने के लिए देना बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। और जहाँ तक कि मैं लोगों से भी आह्वान करूँगा, लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोगों को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जो इंसान इस तरह की फ़ोटो डाल सकता है उसकी मानसिकता कैसी होगी। मेरा तो ऐसा बोलना है कि उसकी खुद की मानसिकता खराब होगी या उसको केवल नेतागिरी करनी है और चमकना है इसलिए ये सब चीज़ें कर रहा होगा। आज कईयों लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हम लोग खुद अंदर होके आए, हम लोग भी ये सब चीज़ें करते हैं लेकिन दिखा के नहीं करते, क्योंकि हमको समझता है कि सामने वाला खुद मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अपने 2 मिनट के स्वार्थ के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं यही बोलना चाहूँगा बस। कुणाल पुरी से जब यूथ कांग्रेस लीडर और नगर सेवक बंटी शिल्के के आंदोलन के बारे में पूछा गया तो उस पर भी कुणाल पुरी ने अपनी बेबाक राय रखी। साथ ही जब वे हर किसी की बात कर रहे थे तो उत्सुकता से हमारे प्रतिनिधि ने यह भी पूछ लिया कि कुणाल पुरी खुद क्या कर रहे हैं शहर पर आई इस संकट की घड़ी में, तो इस मुद्दे पर भी कुणाल पुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चला है कि जो बंटी शेरके है यूथ कांग्रेस के ही लीडर है वो, और उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि जो नागपुर के कुछ निजी अस्पताल है उसमें कालाबाजारी चल रही है, मरीजों की लूट चल रही है, तो इसी लेकर वो
धरने पर बैठे हैं, वो अनशन कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, बंटी बाबा शिड़के जी मेरे बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं, मेरे मित्र रह चुके हैं, हमने सातवें यूथ कांग्रेस में शुरुआत की थी, आज 11-12 साल हो रहे होंगे। अब कैसा, वो राष्ट्रीय लेवल पे नेता है, उन्होंने अगर वो किए हड़ताल वहाँ पे तो कुछ सोच के ही की होगी, रेडियंस हो गया। मेरा तो बोलना ये कि उनको केवल रेडियंस के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, एक हॉस्पिटल पकड़ के, नागपुर के जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में लूट चालू है। आप किसी एक हॉस्पिटल को टारगेट बना के नहीं रह सकते ना, आपको अगर काम ही करना है, दिखाना ही है, तो आप सभी इसमें कीजिए। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो मध्य नागपुर में आता है हॉस्पिटल, तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे होगा, वैसे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो गरीबों को न्याय दिला रहे हैं, लेकिन कैसा निस्वार्थ और काम होना चाहिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं कि अपना एरिया है तो बस अपने यहाँ के हॉस्पिटल देख लो। और भी आते हैं फ़ोन, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी देखना चाहिए। इसके पहले भी बंटी भी है, जो हमारे बंटी भाऊ बोलते हैं सब लोग, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रह चुके, इसके पहले भी एक दो बार उपोषण पर बैठे हो, ऐसा नहीं कि पहली बार बैठे करके, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसे उड़ गए थे वो। अब देखते हैं इस बार क्या करते हैं भैया, कैसा राष्ट्रीय लेवल पे उनको दिल्ली से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। आज ये बात निकली है तो एक बात बताना चाहूँगा, मेरे साथ में ये छोटे बच्चे लोग सबके साथ मेरे भाई लोग खड़े हैं, ये लोग दिन रात सुबह शाम जैसा इनसे बनता है वैसा काम कर रहे हैं। इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए तो लोगों के घर को 24 घंटे सैनिटाइज कर रहे हैं जा जाके, जो पेशेंट है जो कि कोविड के मरीज है उनके घर में जाके पूरे प्रिकॉशंस लेके उनके घर को सैनिटाइज करके दे रहे हैं, जिनके घर में मृत्यु के यहाँ पे एनएमसी वाले नहीं पहुँच सकते वहाँ पे वो जाके पहुँच के सैनिटाइज करके दे रहे हैं, यानी कि एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अब देखते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी कुणाल पुरी जी थे और इन्होंने कहा है कि अगर आप अच्छा काम करते हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो उसका बाजार मत बनाइए। आपको अगर काम करना है तो बस अपने मन से कीजिए, अपने समाधान के लिए कीजिए। और मैं जो मेडिकल की जो स्थिति थी पहले, वो पहले से बेहतर है, ये भी हमने जाना। तो इसी के साथ कहा जा सकता है कि मेडिकल में मरीजों की स्थिति दिन ब दिन सुधरती जा रही है और आंकड़े अच्छे दर्शा रहे हैं। तो जैसा कि आपने तो बंटी शेलके पर अपने आघात कर दिए, आपने हर किसी पर अपनी राय रखी, लेकिन ये भी जानने वाली बात है कि आप जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं? देखिए जमीनी स्तर पर जब से हमने काम चालू करना पड़ा, सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है हम जहाँ पे रहते हैं हमारे आस पड़ोस से। हमने हमारे आस पड़ोस से शुरुआत की, सैनिटाइजेशन से शुरुआत की, उसको बढ़ाया। आज लगभग आधे से ज़्यादा दक्षिण नागपुर के अंदर हम सैनिटाइजेशन कर चुके हैं, रोज़ हमारा करना ये चालू है। हमने एक मुहिम चालू की थी नागपुर में, सबसे पहली मुहिम, दवाइयाँ दान करें ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों तक के पहुँच सके, जिसका प्रतिसाद प्रेस, मीडिया, रेडियो से हमको बहुत ज़्यादा मिला। उसको देख के कई और राजनीतिक संगठन और हमारी खुद की यूथ कांग्रेस ने भी वो मुहिम चालू की और आज उसका लाभ भी बहुत लोगों को मिल रहा है। अब देखिए इंसान हूँ, जितना हो रहा है अपने 24 घंटे में से 20 घंटे दे रहा हूँ पूरे के पूरे सेवा में, जितनी हो सक रही है उतनी सेवा कर रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ मैं। और मेरे साथ में मेरे सभी के सभी छोटे भाई भी ये पूरी की पूरी सेवा दे रहे हैं। आपको सेवा देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी भी राजकीय पक्ष से देना ज़रूरी है, आप स्वयं भाव से भी सेवा कर सकते हैं किसी की भी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं हर कोई अपनी नेतागिरी ही खेल चमकाने में लगा हुआ है, कैसा रहता है, किसी के पास में पीछे स्पीकर लेके वीडियो बनाने वाले, एडिटिंग करने वाले 100 लोग होते हैं, हमारे पास में उतने लोग नहीं हैं। हमको करना है तो करना है। ऐसे कई लोग भी है जिनकी सेवा के बारे में हमको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन वो सेवा दे रहे हैं। हो सकता है हमसे भी लाजवाब, किसी राष्ट्रीय नेता से भी लाजवाब सेवा दे रहे होंगे, लेकिन कैसा आज की डेट जो हो गई है वो हो गई है मीडिया वाली। कैसा हमारे जो मोदी जी थे उन्हें सबको आदत लगा दी है फोटोबाजी और वीडियोबाजी की, बस यही चीज़ चल रही है। कैमरामैन श्रीकांत देउड़कर के साथ मैं निकेत, वीचो विस्तार के लिए नागपुर।